एमटीटीवी इंडिया ने सूरत हादसे के बाद अजमेर के जो कोचिंग संस्थान है उनकी जांच पड़ताल की थी कि वहाँ पर अग्निशमन और जो छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा के क्या क्या इंतज़ाम है उसको लेकर एक पड़ताल की थी। और उस खबर को दिखाने के बाद में अब NSUI के जो प्रदेश सचिव हैं रियाज खान, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को ये चेतावनी दी है कि जितने भी अवैध तरीके से और बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर जितने भी कोचिंग संस्थान अजमेर में चल रहे हैं उनकी तुरंत प्रभाव से जाँच की जाए और जो भी नियमों की अवहेलना कर रहा है उनको तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। और इसी कड़ी में जो नगर निगम अजमेर की जो कमिश्नर हैं चिन्मयी गोपाल, उनको एक ज्ञापन दिया है, एक मांग पत्र दिया है। उस मांग पत्र में ये कुछ कोचिंग संस्थान हैं 20 जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इन तमाम कोचिंग संस्थानों के ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई करने के लिए रियाज खान ने कहा है। मैं आपको नाम एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देता हूँ, जिसमें 20 कोचिंग संस्थान है, जिसमें सेल्सियस एकेडमी है श्रीनगर रोड की, ट्रंप एकेडमी जो लोहागढ़ रोड के पास में स्थित है, कैरियर विजन रामगंज की, शर्मा क्लासेस सिविल लाइन्स की, महिंद्रा एकेडमी जो वैशाली नगर में स्थित है, IBT राम भवन के पास जो स्थित है, कॉम्पिटिशन प्लस कोचिंग संस्थान है SBI बैंक के पास राम भवन में, उसके लिए भी कहा गया है, पनोरमा एकेडमी है पुलिस लाइन में, दासवानी क्लासेस बस स्टैंड के पास जो स्थित है, परीक्षित क्लासेस जो राम भवन के पास है, पुरोहित क्लासेस रामगंज में जो स्थित है, कृष्णा एकेडमी जो रैम्बल रोड शिव मंदिर के पास है उसकी भी इसके अंदर शिकायत की गई है, और साथ में इनके साथ में मास्टर एकेडमी, द्रोणा एकेडमी मॉडर्न ब्रिज पे जो स्थित है, पोजिट्रॉन जो श्रीनगर रोड पर है, सलीम कोचिंग सेंटर जो पालविछला में है, SG क्लासेस सावित्री स्कूल के पास, CRPF ब्रिज है उसके पास में जो SG क्लासेस है उसके लिए कहा गया है, उसके साथ में रेजोनेंस कोचिंग सेंटर जो 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास है, स्किल एजुकेशन सेंटर PNB बैंक के पास जो नगरा में स्थित है उसके लिए भी कहा गया है, और सबसे लास्ट में जो 20वां नाम है अमित कॉमर्स पॉइंट जो सावित्री गर्ल्स कॉलेज माली मोहल्ला में स्थित है, इसके लिए इन तमाम 20 कोचिंग संस्थानों के लिए सीधे तौर पर रियाज खान जो प्रदेश सचिव है NSUI के, उन्होंने कहा है कि इन 20 कोचिंग संस्थानों की तुरंत प्रभाव से जांच की जाए, यहां पर देखा जाए कि बच्चों की सुरक्षा के साथ में कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी उठाई है कि MPTV इंडिया ने जो पड़ताल की थी कि कमर्शियल एक्टिविटीज जो आवासीय मकानों में हो रही है जहां पर पार्किंग की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है उसकी तुरंत प्रभाव से जाँच की जाए, और जो भी कोचिंग संस्थान के अंदर ये सुविधाएं ना हो, ये व्यवस्थाएं नहीं हो, उन्हें तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। आपको बता दें MPTV इंडिया की मुहिम के बाद में किशनगढ़ में 3 कोचिंग संस्थानों को किशनगढ़ नगर परिषद ने बंद किया था, सीज किया था, और उसी के तहत अब अजमेर नगर निगम के अंदर भी रियाज खान ने इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। MPTV की तरफ से आज हमने जो आयुक्त मैडम है नगर निगम को, उनको ज्ञापन दिया है कि जो शहर में अवैध रूप से जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जो कॉमर्शियल बिल्डिंगों में चल रहे हैं, रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं, जिनके पास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है इनके पास, इसी को लेकर आज हमने आयुक्त मैडम को ज्ञापन दिया है कि इन इंस्टीट्यूटों पर कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए। और जो शिक्षा का इन्होंने धंधा चला रखा है, जो स्टूडेंट को जान की परवाह नहीं कर रहे, बिना जान की परवाह किए बिना ये जो बिल्डिंगों में चला रहे हैं, इनको बंद किया जाए, इसी को लेकर आज हमने मैडम को ज्ञापन दिया। मैडम ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी इन पर कार्रवाई करती हूँ। 2-3 दिन पहले भी पूर्व में भी हादसे हो चुके हैं, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, अभी 2-3 दिन पहले कोटा में भी हुई है और उससे पहले सूरत में भी हुई है, जिसमें विद्यार्थियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसी स्थिति अजमेर में नहीं हो, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया मैडम को, और मैडम ने आश्वस्त किया है कि इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी जल्द से जल्द। आप कहना चाहते हो कि कार्रवाई हो? जरूर बिल्कुल कार्रवाई हो, क्योंकि ये सीधा जो मेन रूप से जान का सवाल है विद्यार्थियों के बिल्कुल, और जो इनकी फीसें ली जाती है, फीसें भी जो सरकार के अकॉर्डिंग है वो नहीं ली जाती है, फीसें भी बहुत ज़्यादा ली जाती है। हर गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनाने का वादा करते हैं, अभिभावकों को बहलाते हैं, इस तरह के जो गोरख धंधे चल रहे हैं वो अजमेर शहर में बंद होने चाहिए। सर आप ज्ञापन, जो नहीं कार्रवाई होती तो आप आगे क्या करोगे? नहीं कार्रवाई होती है तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद संभागीय आयुक्त को भी देना पड़ा, या धरने प्रदर्शन करना पड़ा, या सड़कों पर उतरना पड़ा, इसके लिए अभी NSUI संगठन कार्यरत करेगा। आपका रियाज खान NSUI।